नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिकी दौरे पर जाने का उनका मकसद साफ है कि वे बीजेपी को हर एक मुद्दे पर घेरना चाहते हैं और ऐसी जगह से घेरना चाहते हैं जहां से उसका परिणाम न केवल भारत में सीमित हो बल्कि पूरे दुनिया में इसका प्रभाव जाए, और इसीलिए उन्होंने शायद अमेरिका का दौरा चुना है। अमेरिकी दौरे पर जाकर राहुल गांधी एक के बाद एक बीजेपी की बगिया उघेड़ने में लगे हुए हैं। लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। फिर से न्यूयॉर्क में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार संगठित हो रहा है और विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, उसका जीता जाता सबूत है कि हाल ही में कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की भारी हार हुई है। और लगातार इसी बातों को, अपनी बातों को समर्थित करते हुए, अपनी बातों के समर्थन में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे तथ्य रखे, कई सारे पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए, जैसे कि दक्षिण का किला पूरी तरह से बंद हो चुका, दक्षिण भारत में बीजेपी अब किसी भी राज्य में बहुतायत में, या यूं कह सकते हैं कि आप पूरी समर्थन है, पूरी ताकत के साथ मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हाल ही में तेलंगाना के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। लगातार बीजेपी को बड़ी हार मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है और आने वाले समय में, यानी कि 2024 के चुनाव में, बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की ज्यादती सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, देश की जनता अब उसे सहन नहीं करना चाहती है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने विपक्ष की एकता को लेकर की बहुत बड़ा फैसला दिया, बहुत बड़ा जो है उन्होंने ललकारा है। साफ ही कहा कि भाजपा के लिए सारा का सारा, देश की सभी पार्टियां, देश की विपक्ष पार्टियां जो भाजपा की विचारधारा से बिल्कुल मिलती नहीं है और जो लोकतंत्र को लगातार बचाने के लिए संघर्षरत है, वे सब साथ आ चुकी हैं और 2024 के चुनाव में मिल करके यह लड़ाई आगे रखेंगी और बीजेपी को खत्म कर देंगी, बीजेपी को निष्ठो नाबूद कर देंगी। राहुल गांधी की यह चुनौती हालांकि बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, लेकिन देखने में यही लग रहा है कि राहुल गांधी लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो विदेशी सरजमी पर अपनी बातों को आगे रख रहे हैं। देखना यह है कि अब इस मामले में बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, साथ ही बीजेपी उनके इस बयान को किस तरीके से, किस नजरिए से देखती है, साथ ही किस तरह से सामने से प्रतिक्रिया आती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।